एक नई जेंटलमैन, शारदा सारी निकेतन की तरफ से मैं सुरेश मोदी आप सबका स्वागत करता हूं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम आपके लिए लाए हैं आज की मॉडर्न नारी के लिए एक अनमोल तोहफा, द रेवोल्यूशनरी जिप अप सारी। Yeah? ये जिप अप साड़ी का आइडिया आपको कहाँ से आया? आप जैसी किसी यंग और चार्मिंग वर्किंग लेडी को देखकर। But honestly, ये आइडिया मेरी बेटी लतिका का है। वो भी एक वर्किंग वुमन है और वो ये जानती है कि आज की मॉडर्न वर्किंग वुमन की जरूरत है क्या है। सुरेश जी, yeah? सर आप खाली हाथ आए थे गुजरात से और आज देखिए डोनेशन भी दे रहे हैं तो लाखों में। देखिए देने वाला तो वो है, मैं तो सिर्फ अपने हाथ खुले रखता हूँ देने के लिए भी और लेने के लिए भी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं। आज वुमेन्स डे पर हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम वुमेन्स एजुकेशन के लिए कुछ डोनेट करते हैं, तो शारदा शिक्षा सदन के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन के लिए जो है 50 लाख रुपए। मिस्टर मोदी, हमने नोट किया है कि आपकी सारी कंपनी आपकी पत्नी शारदा जी के नाम पे है, यहाँ तक कि आपकी एजुकेशनल ट्रस्ट भी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अगर पत्नी का कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट ना करें तो घर जाने के बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा? बट सीरियसली, जब भी मैं मुंबई में होता हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि लंच और डिनर मैं घर जाकर ही करूँ। क्या बात है मोदी साहब, तो आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं? यार रिस्पेक्ट, प्यार बहुत छोटा शब्द है। मैं अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता हूं। वो एक औरत ही है जो एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक घर की, एक समाज की नींव रखती है। हम पुरुष बहुत घमंडी होते हैं, लेकिन हमारी सारी अकड़, हमारी सारी कामयाबी उनकी वजह से, जो दिन रात हमारे लिए कमर कस कर घर की जिम्मेदारियां उठाती है। तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाती है वो, कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती हैं वो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर एक औरत सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रहे तो ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। उसे एजुकेट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर वो बच्ची, हर वो महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, एजुकेट होना चाहती है, मैं ये वादा करता हूं कि हम उसके साथ। माफ कीजिएगा मिस्टर मोदी, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए हैं। ये चैरिटी, ये डोनेशंस, ये सब टैक्स बचाने के तरीके हैं। ये ग्लास आधा खाली है लेकिन आधा भरा हुआ भी है, देखने का अपना अपना नजरिया है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि मेरा एक सपना है कि हर औरत शिक्षा की ताकत अपने पंखों में लेकर नए आसमान छूए और अपनी एक नई पहचान बनाए। भीम साहब, हर जगह आपका ही नाम, शारदा शारदा।
आप क्यों नहीं जाती सांप के साथ ऐसी जगह? पगली, वहां मेरा क्या काम है? ये घड़ी तो मेरी पहचान है। मैम साहब, आपके कपड़े रखवा दिए। हाँ, और ये बच्चों के कमरे में रखवा दे। जी मैम साहब। शारदा, तू तो ऐसे देख रही है जैसे सब कुछ पढ़ लेगी क्या लिखा है। अरे हिसाब देखने में क्यों वक्त गवा रही है? दोबारा हिसाब देखो। 1900 में 10 रुपए कम। मेम साहब, मैंने दो बार देखा, हिसाब बिल्कुल बराबर है। 1590, 1890 हो ही नहीं सकता। मैं अपने तरीके से सब हिसाब रखती हूँ। लेकिन बाबूजी ने तो कहा था कि आपको पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता तो क्या मैं अनपढ़ हो गई? घर गृहस्थी का हिसाब रखने के लिए हाथ में कागज कलम लेने की जरूरत नहीं होती। गृहिणी के हिसाब में गलती निकालने की गलती कभी मत करना, वो हिसाब की पक्की होती है। जी मैम साहब, अब दोबारा गलती नहीं। अच्छा बस बस, पहली बार तो बेचारे ने गलती की है और तू इसकी क्लास लेने लग गई। शंकर देख भाई, आज से दिन में दो बार आना, मेरे पोते करण की शादी है। जी दादी। You're crazy man. मैं और शादी, वो भी अभी। अभी लाइफ शुरू भी नहीं हुई और अभी लिख दूं Believed happily ever after। तो सपने देखना छोड़, तेरे एडवेंचर तो बनी उनके साथ खत्म। शादी तो 35 के बाद ही होगी। बट 35 तक करेगा क्या तू? मंजिल का पता नहीं और रास्तों का डर नहीं। तू चाहे जितना भी उठ ले, तू करेगा वही जो पापा चाहते हैं। 4 दिन बाद शादी है तेरी डूड, सो स्टॉप डे ड्रीमिंग नाउ। नो वे, मैं नहीं करने वाला शादी, फिर चाहे कितना भी फोर्स कर ले। मिस्टर शारदा साड़ी निकेतन। फिर मिस्टर शारदा साड़ी निकेतन? कोई ऐसे बुलाता अपने पापा को? रोहन चल बाद में कॉल करता हूँ, बाय। ओके ओके चल बाय। चल जल्दी से तैयार हो, वो आते ही होंगे। नो वे मामा, लंच पे पापा की एडवाइस का ओवरडोज नहीं चाहिए। मैं सोने जा रहा हूँ, डैड आए तो कह देना। आप आ गए? हाँ मैं अभी खाना लगाती हूँ। मैं भी रेडी हूँ डैड। देखा, मजाक कर रही थी आप। हाँ प्लीज, वैसे ही डैड के डर की वजह से दोस्तों में मजाक बनाऊं मैं? क्यों डैड मेरी शादी उनके किसी बिजनेस कलीग की बेटी के साथ करवाना चाहते हैं? क्यों? बेटा कुछ सोच के किया होगा उन्होंने, तुम्हारे भले के लिए। अच्छी लड़की है। अच्छा आपने देखा उसे? तो फिर जिसे आपने देखा नहीं उसकी तारीफ क्यों कर रही हो? मामा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर मिस्टर शारदा साड़ी निकेतन के कहने पर ये शादी कभी नहीं। भाई ये घर का बना मक्खन ही तो है जिसके लिए मैं रोज खाना खाने घर पर आता हूँ। You mean mom is equal to मक्खन? अगर मक्खन ना मिला सिर्फ तभी आप मॉम को मिस करेंगे। इस उम्र में शादी का मतलब लाइफ का दी एंड। ऐसा नहीं सोचते बेटा, शादी एक नई शुरुआत होती है, एक पवित्र बंधन में बनते हैं दो इंसान, दो दिलों का मिलन होती है शादी, फिर एक दूसरे का हाथ थाम के जिंदगी के सफर पे चलते हैं, जो सफर सिर्फ एक जन्म नहीं
बल्कि 7 जन्मों तक चलता है। ओह, 7 जन्म? नो वे, एक ही जन्म काफी इस मोदी फैमिली में। हाँ। बेटा मेरी बात सुनो। अरे बेटा सुनो, अरे बेटा बेटा सुनो, ये मेरी ईट टिकट देख के जरा बताओ तो क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण बेटा, मॉम, चिराग ये टिकट देखना क्या लिखा है। मॉम मुझे जल्दी से 20,000 रुपए दे दो। 20,000? क्यों? अभी परसों तो तुम्हें 15,000 दिए थे मैंने। That's blown away. क्या? I mean खत्म हो गए। अब मुझे जल्दी से 20,000 दे दो, मुझे लंच के बाद बाहर जाना। पहले मुझे 15,000 का हिसाब दो तुम। Are you kidding me? You want a हिसाब? हाँ, पता तो चलना चाहिए ना कि इतने सारे पैसे गए कहाँ। ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे पैराग्लाइडिंग करना तो कुछ समझ आएगा क्या? तुम समझाओगे तो समझ जाऊंगी ना कि ये जो भी है क्या होता है। मॉम तुम अच्छे से पैराग्लाइडिंग तो बोल नहीं सकती, समझोगी क्या? नाउ प्लीज माय स्वीट मॉम, मुझे जल्दी से 20,000 दे दो, लंच के बाद बाहर जाना। मैं पैसे नहीं दूंगी। ओह गॉड, यू आर इम्पॉसिबल, पापा को आने दो। अरे चिराग ये बताना टिकट। मामा, मामा। हाँ आई। नानी, नानी। क्या मम्मा, आप ही ना दिया को पिकअप करने नहीं आए। अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि उसे जल्दी लेने आना है? तो हर बात बतानी पड़ेगी क्या मम्मा? आप जानती हो ना कि आज पापा की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे वहाँ होना चाहिए था उनके साथ। बेटा मैंने फोन किया था पर तुमने फोन उठाया नहीं। हाँ तो बिजी होंगी उस वक्त, आप दोबारा फोन कर लेती या फिर घर आ जाती ना। माँ आज के दिन हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है, मेरा सारा प्लान गड़बड़ हो गया। आज शाम को करण के होने वाले लॉस के साथ हमारे कंपनी के मर्जर की अनाउंसमेंट है। बेटा घर में शादी है, बहुत सारे काम थे। What काम मम्मा? Come on ना, आप दिन रात घर पे रहती हो, मेरी तरह ऑफिस और घर दोनों नहीं संभालते। And don't forget it, you're just a housewife. बेटा वैसे तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, जब तक दिया बड़ी नहीं हो जाती ये बाहर की भागदौड़ थोड़ी कम कर लो तुम। और फिर क्या करूं, आपकी तरह एक टिपिकल सी हाउसवाइफ बनके घर पे बैठी रहूं, राइट? कम ऑन मॉम, दैट्स नॉट मी। डैड ने इतना पढ़ाया लिखाया सब वेस्ट कर दूं। यू नो व्हाट, दैट इज सो राइट अबाउट यू, यू कैन नेवर टॉक सेंस, लाइक नेवर। क्यों डाटा उनको, सॉरी बोलो। नहीं बेटा, जैसे तुम अपनी मम्मी को डांटती हो ना कभी कभी, वैसे मम्मी मुझे डांट रही है, वो भी मेरी बेटी है ना। तो तुम जाओ, जाओ दादी को बुला के लाओ। दादी, दादी। आप तो जानते हो ना कि जब मैं टेंशन में होती हूं तो यूं ही कुछ भी ब्लाबा कर देती हूं, और फिर आप यूं मुंह छोटा सा कर लेते हो तो मुझे गिल्टी फील होता है। प्लीज। अच्छा छोड़, छोड़ अपना ये गुस्सा, मैं खाना लगाती हूं। हाँ ये क्या है? मेरी ट्रेन की टिकट, मैं ना वो आज। इतनी बार कहा है मामा ट्रेन से ट्रैवल मत किया करो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि सुरेश मोदी की वाइफ ट्रेन से ट्रैवल करती है। बेटा जो आज तक नहीं किया वो मैं अचानक कैसे कर पाऊंगी, और वैसे भी
मुझे अपनी बहू के लिए एक अच्छी साड़ी लेके आना है। पटोला साड़ी चाहिए मुझे, और उस पे मैं अच्छी सी कढ़ाई करूंगी। देखना मेरी बहू कितनी खूबसूरत लगेगी उसमें। सॉरी मामा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा। मामा मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप प्लेन से जाइए ना, इट्स मच मोर कन्वीनियंट। नहीं वो मुझसे नहीं होगा, तुम तो जानती हो मुझे हवाई जहाज से बहुत डर लगता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? दुनिया चांद सितारों पर पहुंच गई है, लेकिन हमारी पत्नी को प्लेन में बैठने से डर लगता है। Hey Dad. डैड, मुझे ना आपसे कंप्लेन करनी है मॉम की। वो समझती ही नहीं है और पॉकेट मनी भी नहीं दे रही। अभी परसों तो दिए थे और मैंने मना थोड़ी किया है, सिर्फ हिसाब मांगा है तुमसे। शारदा, एक धोबी के हिसाब में क्या जीत गई कि तू अब चिराग से हिसाब मांग रही है? सुरेश बेटा, जब तू छोटा था ना, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भगवान की दया से तेरे पास सब कुछ है। तेरे बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर फिर भी कुछ मैं मैनेजर से कह दूंगा, वो 25,000 दे दे। ओके, लव यू पॉप्स। थैंक यू दादी। हिसाब तो बच्चों को देना। छोटे छोटे हिसाब करके ना शारदा, तुम आज भी मुझे गुजरात के उस छोटे गांव की याद दिलाती हो जहां हमारे पास कुछ भी नहीं था। पर चिराग मक्खन, amazing dad. पिछले 30 सालों से आप रोज मामा के हाथ का बना मक्खन खा रहे हैं। 30 years of mama made butter. भाई ये घर का बना मक्खन ही तो है जिसके लिए मैं रोज खाना खाने घर पर आता हूँ। You mean mom is equal to मक्खन? अगर मक्खन ना मिला सिर्फ तभी आप मॉम को मिस करेंगे। Dad, how was the press con? इट वॉज गुड। तुम्हारा वो एजुकेशन और पंख उड़ान वाला थॉट काफी अप्रिशिएट हुआ। रियली? या तुम आए क्यों नहीं? वो मेरी वजह से। शारदा तुम्हारा नाम, इसे एक ब्रांड नेम बनाया है मैंने, कहां से कहां पहुंचा है, लेकिन तुम आज भी बस वही की वही हो। पटोला साड़ियों पर कढ़ाई करती रहो तुम बस। वो आज कैसा रहा आपका वो इरेस इरे वो मॉम, डू यू वांट टू प्रेस कॉन्फ्रेंस? मॉम से ना इंग्लिश का एक भी वर्ड ठीक से नहीं बोला जाता। तुम्हारी होने वाली सासू माँ ने तुम्हारी होने वाली वाइफ की लेटेस्ट पिक्चर्स अपलोड की हैं। देखोगे? नो थैंक्स, लेट टू दीदी। हे, डोंट कॉल मी दैट। बेटा मुझे दिखाओ ना मेरी होने वाली बहू की तस्वीर। लतिका बेटी मुझे दिखाओ ना। मामा जस्ट वन सेकंड, एक इम्पोर्टेंट मेल है, बाद में दिखाती हूँ। डैड,
आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आज के बाद मेरी लाइफ बदलने वाली है। अच्छा चल बाय। मैं ले लूंगा, आप रख दीजिए। ये खुददारी सिर्फ नौकरों के सामने? काम में तो नजर नहीं आई कभी। खाना खा लीजिए ना। अब ये बच्चा नहीं रहा, शादी होने वाली है इसकी, कब समझेगा जिम्मेदारी? जिस तरह पायलट ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर वापस आ गए, होटल मैनेजमेंट का कोर्स अधूरा छोड़कर वापस आ गए, जरा देखना कहीं शादी अधूरी छोड़कर बीच में गायब ना हो जाए। वैसे तुम्हें शादी का मतलब पता है ना? हाँ जानता हूं। शादी दो दिलों का मर्जर होती है। शादी एक नई शुरुआत होती है, दो दिलों का मिलन होती है शादी। दो दिलों का मिलन होता है शादी, एक ऐसा बंधन जो 7 जन्मों तक चलता है, वो बहुत ही पवित्र होता है, वेरी प्योर। प्योर जस्ट लाइक और प्योर कॉटन साड़ीज। देख लो शारदा, ये है तुम्हारे लाडले की शादी को लेकर अंडरस्टैंडिंग। मुझे तो लगता है इससे कोई भी उम्मीद रखना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। करण बेटा, आज मेरी ट्रेन है, तो अगर तुम हम आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं चलूंगा ना स्टेशन आपके साथ। तुम स्टेशन नहीं जाओगे, नहीं तो वहां से अपने दोस्तों के साथ कहीं गायब हो जाओगे। तुम ऑफिस जाओ। यस बॉस, मैं अभी ऑफिस जाने की तैयारी करता हूं। बाय डैड। डैड वो मैनेजर को कॉल कर देना। बाय डैड, आई सी इन द ऑफिस। बाय मॉम। दवाई से खाना अच्छा बना था शारदा। सुनिए, वो ये मेरी ट्रेन की टिकट देखे जरा बताइए ना। तुम चिंता क्यों करती हो, मेरी बात हो गई है मैनेजर से, वो तुम्हें ट्रेन में बिठा देगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, पटोला साड़ी खरीदने के लिए तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत है? वो आज तक कभी गई हो तुम मेरे बिना यूं अकेले? फिर क्यों, यही मौका मिला तुम्हें ये नया एक्सपेरिमेंट करने का? प्रायोरिटी समझो शारदा, घर में कितना काम है। कल समधन जी आ रही हैं सगाई के लिए, 4 दिन के बाद इस घर में शादी है, और तुम हो कि मैं सुबह 6 बजे तक लौट आऊंगी, और
मुझे पता है हमारे बेटे की शादी है। ये सिर्फ हमारे बेटे की शादी नहीं है शारदा, दो कंपनीज का मर्जर है। इससे शारदा सारे निकेतन को कितना फायदा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मैं मैनेजर से कहूंगा, वो तुम्हें कॉल करेगा। खाओ। आज कौन सा नया आसमान छुआ है तूने? पता तो पता, क्या देखा तूने दुनिया में? मैं तो घर की दुनिया में ही रहती हूँ, फुर्सत ही नहीं बाहर की दुनिया देखूं। पता है आज अकेली जा रही हूँ अपनी बहू के लिए शुभ शगुन लेने। किसी ने मुझे उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाई। तू तो उठ के जा सकता है ना मेरी बहू के घर। तू जा जा, देख क्या और बता कैसी है मेरी बहू। हाँ विनी, मैं मुंबई पहुंच गई हूँ। आदित्य आने वाला है मुझे प्लेटफॉर्म पे लेने। I'm so excited। मैंने अपने सारी लकी चार्म अपने साथ कैरी किए हैं। यहाँ से हम जाएंगे सीधा कोर्ट और वहाँ पे शादी। नर्वस? हाँ थोड़ी नर्वस तो हूँ। घर से भाग कर निकली हूँ वो भी शादी करने के लिए, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ वही ड्रेस पहने, आदित्य की फेवरेट है ना, मेरे लिए भी बहुत लगी। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे आदि को कॉल करना है ना। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, आज के बाद मेरी लाइफ बदलने वाली है। अच्छा चल बाय। ये मैनेजर क्यों नहीं आया अब तक? सुनिए सुनिए, सुनिए, ये अहमदाबाद की ट्रेन किधर है? मुझे नहीं मालूम, सॉरी। सुनिए बहन जी, ये टिकट बताएंगी मुझे? सुनिए, ये बताएंगे मेरी बोगी कहाँ पे है? वहां नोटिस बोर्ड पर रिजर्वेशन चार्ट लगाया है, देख लो। सुनिए आप, राकेश देख ना यार, मेरा नंबर कंफर्म नहीं हुआ अब तक। हाँ हाँ सबर करो, सबकी हेल्प करूंगा, पहले रिजर्वेशन चार्ट तक तो पहुंचने दो यार। Excuse me, I want to... Excuse me. अरे यार बेटा, जरा मेरी टिकट देके बताओ मेरी बोगी कहाँ है? इतनी भीड़ में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बताइए कि ट्रेन कौन सी है, नंबर क्या है? तुम पढ़ के देख लो ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आंटी, आपको ई टिकट पढ़ना नहीं आता? अगर आंटी आपको ई टिकट पढ़ना नहीं आता ना, तो ऑनलाइन रिजर्वेशन भी नहीं कराते, आपको प्रॉब्लम नहीं आती? कौन फास्ट यार, ट्रेन छूट जाएगी। बेटा जरा सुनो तो।